बिल्कुल जया, देखिए दिलचस्प हो चुका है रण। सुबह से आ रही तस्वीरें बयां करती हैं कि किस तरीके से जनता का रुझान, उनका मूड भीड़ के तौर पे दिखाई दे रहा है। जहां रामपुर में तो लोग 5 बजे से डटे हैं, लेकिन आजमगढ़ में इंतजार चल रहा है, बूथ खाली पड़े हैं। क्या सोच रहे हैं यहाँ के लोग, इनके दिल में, इनके मन में क्या है, ये शायद वहां पर मौजूद हमारे 2 सहयोगी से ही जानने पर पता चलेगा, क्योंकि वो लोगों से लगातार बात कर रहे हैं, तस्वीरें कैमरे में कैद कर रहे हैं और उन तस्वीरों को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसीलिए चलिए आजमगढ़ का रुख कर लेते हैं और नीतीश से जानते हैं कि क्या अभी भी बादल का मौसम तो है, लेकिन ये जो सुनापन है बूथ का, ये छटा कि नहीं, लोग आ रहे हैं या अभी भी इंतजार कर रहे हैं? स्नेहलता, हम एक और बूथ पर पहुंचे हैं। वहाँ जो शिवली पीजी कॉलेज के आगे का जो बूथ है, वहाँ पर जिस तरह से भीड़ नहीं थी, एक और बूथ पर पहुंचे और आप देखिए ये दिव्यांग जो है ये वोट करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो वोटिंग को लेकर कितना मैं साहब वोट के लिए बहुत प्रोत्साहित हूँ और मैं डालना चाहता था, मेरे पैर खराब है, फिर भी मैं पैदल आया हूँ और वोट डाल दिया। लेकिन इस बूथ पर भी उस तरह की भीड़ नहीं दिखाई दे रही है जिस तरह की होनी चाहिए, और अन्य बूथों पर भी उस तरह की भीड़ नहीं दिखाई दे रही। देखिए सर, हम भीड़ के बारे में नहीं बता, लोगों से क्या अपील यही है कि आप अपना वोट जाकर डालिए, यही अपील हमारी जनता से है। हाँ स्नेहलता, आप देखिए यहाँ पर और जो यहाँ के SP हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। सुरक्षा व्यवस्था कितनी पुख्ता और किस तरह? हमारे सभी जो बूथ्स हैं और पोलिंग सेंटर्स हैं, हमारे पास पर्याप्त पुलिस बल मौजूद है, सेंट्रल फोर्सेज हमारे लगे हुए हैं, अलग अलग हमारे क्लस्टर्स, मोबाइल्स, मजिस्ट्रेट्स, सभी लोग भ्रमणशील हैं, अलग अलग टुकड़ियों ऑफिसर्स के साथ पर्याप्त फोर्स है और हम लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं निष्पक्ष चुनाव संपन्न। आजमगढ़ को कितने सेक्टर में बांटा गया? ये सभी को विभाजित किया गया है, विधानसभा वार सभी की ड्यूटियाँ लगी हैं और हमारे पास पर्याप्त हमारे पास पुलिस बल है, सुनिश्चित करेंगे। संवेदनशील बूथों के बारे में किस तरह के? नहीं, हमारे पास पर्याप्त पुलिस बल है, लगातार भ्रमणशील है, पर्याप्त सेंट्रल फोर्सेस हर जगह तैनात करेंगे। तो आप देखिए सुरक्षा के इंतजामों को आपने सुना स्नेहलता, और जो और भी लोग हैं, हम जो यहाँ मतदान हो रहा है वहाँ युवा पहुंचे हुए हैं। बूथ इतने खाली खाली हैं, जरा फिर से दिखा दीजिए, क्योंकि ये खालीपन भी बहुत कुछ कहता है। अगर कहीं कतार लगी है उसके भी मायने हैं, और बूथों पे अभी तक भीड़ नहीं आई है, जबकि गांव वाले जल्दी उठते, ये बात सच है। आजमगढ़ में भी ग्रामीण परिदृश्य ज्यादा है, लोग ज्यादा है गांव के, बावजूद इसके वो बूथ तक नहीं पहुंच रहे। दिखाइए कितना खाली है बूथ वहाँ। स्नेहलता, एक बूथ और एक जो मतदान केंद्र है वहाँ के बाद हमने चेंज किया और दूसरे मतदान केंद्र पर हम पहुंचे हैं। युवाओं की यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 युवा भी खड़े हैं और साथ में एक बुजुर्ग महिला भी पहुंची है। तो आप मतदान करने के लिए किन मुद्दों को आधार बनाकर आप उठ करें, मुद्दे क्या हैं इस बार, किन मुद्दों पर जनता? अच्छा, एक चीज़ जानना चाहेंगे, आप लोग वोट करने आई हैं बाकी, लेकिन इस तरह की भीड़ नहीं दिख रही है जिस तरह की हर बार लगती थी, ऐसा क्यों, क्या? अब धीरे धीरे सब आ रहे हैं, धीरे धीरे यार, धीरे धीरे। हाँ, तो अपील है उन लोगों से कि जल्दी है। जी, क्या अपील है? मौका लगेगा, नाश्ता है, पानी है, कर रहे हैं, जैसे सवेरे आ ही जाएंगे लोग आ जाएंगे ये उम्मीद है। और युवा है, देखिए ये काबिले तारीफ है कि युवा जिस तरह से, हम जो शिवली पीजी कॉलेज है वहाँ के जो बूथ पर थे तो कोई युवा हमें दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, अपील क्या है लोगों से? चूंकि विशेष जरा ये तस्वीरें दिखाइए, आपको ज़्यादातर बूथ खाली दिखाई देंगे, भीड़ नहीं दिखाई। अभी सुबह का वक्त है इसलिए अभी लोग सो रहे हैं, अभी कुछ वक्त समय बीतेगा तो लोग आएंगे, उम्मीद है, उम्मीद पूरा है, उनका अधिकार है, मतदान उनका है, वो अपना अधिकार करेंगे। क्या है आजमगढ़ का युवा, किन मुद्दों को आधार बनाकर आज अपना? यहाँ 40 साल से देखा कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा नहीं, कोई मुद्दा नहीं है, विकास, रोजगार, यहाँ तो विकास होने ही वाला नहीं है। आज इतने दिन से सपा की सरकार थी, कोई विकास नहीं। हम ये जानना चाह रहे हैं कि आज जो युवा आप भी वोट करने आए होंगे तो कुछ मुद्दे होते हैं, ये हमारा अधिकार था, वो हम अपना अधिकार दे रहे हैं, यानी मताधिकार का प्रयोग करना प्रथम उद्देश्य। और आप देखिए यहाँ सुरक्षा के इंतजाम और जो यहाँ के अधिकारी हैं वो लगातार चक्रमण कर रहे हैं। स्नेहलता, चारों तरफ अगर बात कर लें, ठीक है नीतीश, लौटती हूँ मैं आपके पास, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और तमाम तस्वीरें हम देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव के मतदान की महाकवरेज जारी है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर उत्तराखंड से मिल रही है, बहुत बड़ी खबर उत्तराखंड से, देहरादून से बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दे। IAS रामविलास यादव गिरफ्तार किए जा चुके हैं, ये बड़ी जानकारी, 9 घंटे की पूछताछ के बाद रामविलास को गिरफ्तार किया गया, आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। विजिलेंस की पूछताछ में सही जवाब नहीं दे पाए रामविलास, इस वजह से गिरफ्तारी हो गई।
वहीं उत्तराखंड सरकार की तरफ से रामविलास यादव को सस्पेंड भी किया जा चुका है। दरअसल कल रामविलास यादव से लगभग 9 घंटे की पूछताछ चली थी, जिसके बाद उन्हें अब गिरफ्तार किया जा चुका है। और विनोद मेरे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं। विनोद, और अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जया, देखिए कल गिरफ्तारी की तलवार रामविलास यादव पर लटकी हुई थी और 13 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद में कल रात 2 बजे उनको विजिलेंस ने गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे अधिक संपत्ति का ये पूरा मामला है और लखनऊ, गाजीपुर, देहरादून और तमाम उनके पैतृक आवास पर जो संपत्ति थी उसको कंगालने का कोशिश विजिलेंस की टीम के द्वारा की जा रही थी और मुकदमा दर्ज करके विजिलेंस कार्रवाई कर रही थी। और कल उसी क्रम में जांच में सहयोग करने के लिए आईएएस रामविलास यादव को विजिलेंस दफ्तर बुलाया गया था और करीब 13 घंटे ये पूछताछ चली है और पूछताछ में कोई भी संतोषजनक जवाब रामविलास यादव की तरफ से नहीं दिया गया है। यानी 80% जवाब वो सवालों के नहीं दे पाए हैं और देर रात 2 बजे उनको विजिलेंस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि शासन की ओर से कल ही वो सस्पेंड कर दिए गए थे और एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि इसी महीने यानी 30 तारीख को वो रिटायर्ड होने वाले हैं, छुट्टी पर चल रहे थे, लेकिन जांच में सहयोग करने के लिए विजिलेंस बार बार उनसे सहयोग मांग रही थी लेकिन वो जांच में कोई सहयोग नहीं कर रहे थे। 13 घंटे पूछताछ हुई है और 13 घंटे की पूछताछ में वो कोई जवाब नहीं दे पाए हैं और विजिलेंस ने रात 2 बजे उनको गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कार्रवाई किस तरीके की रहेगी, कोर्ट में कब पेश उनको किया जाएगा, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन पूर्ण रूप से कल वो उत्तराखंड शासन की तरफ से सस्पेंड हुए और देर रात उनको गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला ऐसे अधिक संपत्ति अर्जित करने का है जिसमें देहरादून है, गाजीपुर है, लखनऊ है और उनके तमाम जो पैतृक आवास पर संपत्तियां हैं उनको कंगालने की कोशिश की जा रही थी। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से, बड़ी जानकारी है। सड़क हादसे में 10 लोगों की जान जा चुकी है। तेज रफ्तार पिकअप पेड़ से जा टकराई और इसके बाद बड़ा हादसा हो गया है। हादसे में कई लोग जख्मी हुए हैं, सभी को अस्पताल भेजा जा चुका है। चालक को नींद आने की वजह से ये हादसा हुआ है। देखिए, ड्राइवर को नींद आने लगी जिस वजह से ये बड़ा हादसा हो गया। 10 लोगों की जान जा चुकी है। हरिद्वार से गौला जा रही थी ये पिकअप और हादसे का शिकार हो गई। थाना गजरौला के पूरनपुर हाईवे की ये घटना बताई जा रही है, जिस घटना में 10 लोगों की जान जा चुकी है। चालक को नींद आने की वजह से यह हादसा हुआ। बड़ी खबर लगातार आपको दे रहे हैं पीलीभीत से, जहां पर 10 लोग हादसे का शिकार हो गए। हरिद्वार से गोला जा रही थी पिकअप और हादसे का शिकार, बड़ा सड़क हादसा हुआ है। कई लोग जख्मी हैं जिनको अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया है और जानकारी इस बात की है कि ड्राइवर को नींद आने की वजह से यह हादसा हो गया। थाना गजरौला के पूरनपुर हाईवे की यह घटना है। विक्रांत मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। विक्रांत, कैसे यह हादसा हुआ और क्या जानकारी, कहां के ये तमाम लोग थे? बिल्कुल बताना चाहेंगे। जिस तरह सुबह तड़के का ये मामला है, तेज रफ्तार पिकअप जो थी वो अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिसमें सवार 7-10 लोगों की मौत हो गई। लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गए। मौके पर आला अधिकारी पहुंच गए। लगातार अधिकारी जो है मौके से रेस्क्यू करके सभी को घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं सारे शवों को जो है पीएम के लिए भेज दिया गया है। वही सब अभी लगातार जो पिकअप सवार थे उनकी पहचान की जा रही है कि वो कहाँ के रहने वाले हैं। जी, और विक्रांत, तो अभी मौके पे कौन कौन से अधिकारी हैं? ठीक है, मौके पे घटना की सूचना मिलते ही SSP सहित सारे तमाम पुलिस फोर्स वहाँ मौजूद है। तमाम डॉक्टर्स भी वहाँ भेजे गए हैं। लगातार जो घायल है उनको अस्पताल भेजा जा रहा है और जो सब है उनकी पहचान की जा रही है कि आखिर वो कहाँ के रहने वाले हैं। और हादसे के बाद जो घायल लोग हैं उनकी संख्या क्या बताई जा रही है विक्रांत? कितने लोग घायल हैं इस हादसे में? अभी तक बिल्कुल आधा दर्जन लोगों के घायल होने की सूचना है, जिसमें से 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। और पिकअप में कितने लोग सवार थे? पिकअप की अगर बात की जाए तो लगभग 20 लोग इसमें सवार बताया जा रहा है। हालांकि अभी पुलिस से कोई बात नहीं हो पाई है, पुलिस लगातार जांच कर रही है। अभी घायलों का इलाज जारी है, बाकी जैसे ही पुलिस का कुछ वेरिफिकेशन सामने आता है तो उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। और वजह क्या बताई जा रही है? जैसे प्रथम दृष्टया ये कहा जा रहा है कि चालक को नींद आने की वजह से ये हादसा हुआ, तो और इसमें ज्यादा जानकारी क्या मिल रही है? क्या चालक की ही लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ या वजह कुछ और है? बिल्कुल, अभी तक प्रथम दृष्टया यही बताया जा रहा है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि चालक को नींद आ गई और सुबह तड़के का ये मामला है, तो जाहिर सी बात है सुबह तड़के हल्का मौसम भी ठीक ठंडा होता है, तो उसी वजह से चालक को नींद आ गई और पेड़ से पिकअप जो है वो टकरा गई।
जिसके कारण ये हादसा हुआ है। चुनाव पर महा कवरेज आप देख रहे हैं, लेकिन इस बीच आपको एक बड़ी जानकारी जौनपुर से दे दें। नेवी से रिटायर्ड फौजी के घर पर पथराव किया गया है, पड़ोसी ने पथराव किया है और मारपीट और तोड़फोड़ का आरोप भी लगाया गया है। पथराव का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो चुका है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है पथराव का वीडियो। हमले से दहशत में पूर्व सैनिक और उसका परिवार है। सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। पथराव का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ है। ये देखिए सीसीटीवी फुटेज इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। कुछ लोगों ने पथराव किया है पूर्व सैनिक के घर पर। अब परिवार दहशत में है। नेवी से रिटायर्ड फौजी के घर पर पथराव हुआ। तो चुनाव की एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। ग्राउंड से क्या तस्वीरें हैं इस वक्त, चलिए सीधे रुख करेंगे सनुज का, जो कि रामपुर से हमें अपडेट कर रहे हैं। सनुज तस्वीरें दिखाइएगा। लोगों की कतार तो वहां पर बढ़ती ही जा रही होगी, लेकिन जरा बात कीजिए क्या सोचकर वोट दे रहे हैं वो इस बार। हाँ देखिए, मैं मतदाताओं से भी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको दिखा देता हूं कि जो बीजेपी प्रत्याशी है घनश्याम सिंह लोधी जी, वो यहां पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके आए हैं। सर दिखा दीजिए, वोट डाल के आए हैं। आप देखिए कि ये वो निशान जो ये बताता है कि अपनी वोट डालकर ये यहां पर आए हैं। इनसे हम बातचीत कर लेते हैं। आप देख रहे हैं कि सबकी नजरें टिकी हुई है। कोई कहता है कि आजम का साहब का गढ़ है ये, कोई कहता है फूल खिलेगा, कोई कहता है साइकिल आगे निकल जाएगी, तमाम चीजें आप देख रहे हैं। लेकिन मतदाताओं का उत्साह कुछ और इशारा कर रहा है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, कोई जमाने होते थे कभी किसी का गढ़ होता था, अब तो लोकतंत्र है और ये सब कमल खिल रहा है, देखो आप, है ना। और ना कोई सपा है, कोई एक तरफा भाजपा का कमल खिलने जा रहा है पूरे रामपुर में। और तो आज 23 तारीख को 26 तारीख को इसका रिजल्ट आएगा। हाँ, तो जो एक बात करें कि यहाँ के मतदाताओं की अगर बात करें तो क्या मतलब एक विकास को लेकर आपको लगता है आपके साथ है, या सुरक्षा की बात हो, या तमाम ऐसे क्या मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि मतदाता आपको अपने पक्ष में नजर आ रहे हैं? देखिए, माननीय मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने जो योजना चलाई है, हर गरीब को उसका लाभ मिल रहा है आज की तारीख, चाहे किसान हो या दलित हो या शोषित हो, जो भी मतलब नीचे का तबका है उसको, सबको उसका लाभ मिल रहा है आज की तारीख। किसान पर निधि कभी नहीं चलती थी, लेकिन योगी जी ने हर किसान को 2,000 रुपये देने का काम किया है और किसान बड़ा खुश है उससे। जैसे ये कहा जा रहा है कि यहाँ तो आमने सामने का मुकाबला है समाजवादी पार्टी के बीच और बीजेपी के बीच। मैं तो मुकाबला मानता नहीं, एक तरफा चुनाव है, जहाँ चले जाइए जिस बूथ पे चले जाइए ऐसी कतार लगी देखने को मिलेगी आपको कमल के फूल के लिए। तो मैं तो समझता हूँ कहीं मुकाबला हमारे सामने। तो आपको लगता है सरकार ने जो विकास के काम कराए हैं उनसे आपको कहीं ना कहीं दिल्ली जाने का जो आपका मुश्किल रास्ता है वो आसान हो? माननीय योगी जी ने, मोदी जी ने जो काम कराए हैं, विकास कराए हैं हमारी सरकारों ने, तो उसका लाभ हमें आज मिल रहा है, जनता बहुत खुश है। अच्छा, एक चीज और, आसिफ राजा साहब है आपके सामने प्रतिद्वंदी हैं, कल उन्होंने एक आरोप लगाया था पुलिस के ऊपर कि 200-250 कार्यकर्ता हैं, उनको उठा लिया, थाने बैठा लिया, परेशान कर रहे हैं ताकि वोट न डालने जाएं, और कल उन्होंने ये बात कही आज सुबह से वोटिंग शुरू होनी थी। तो क्या आपको लग रहा है, कोई सियासी बात थी या कुछ और है आपके नजरिए से? क्या नहीं, देखो तो सपा का तो ये रहा है, कितना भी अच्छा काम कर लो ना, आरोप लगाना उनका सिद्धांत रहा, आप कितने भी अच्छे उनके सामने कर लो, लेकिन आप देख रहे हो हमारे गाँव है, आस पास के गाँव, कोई आदमी उठाओ बताइए आप, कोई थाने में बंद हो, कोई बंद नहीं, लेकिन उनका क्या, हाँ ये उसे उठा लिया, उसे उठा लिया, कल मैंने भी देखी बाइट होंगे, लेकिन कोई किसी रंग की कोई पुलिस ने उत्पीड़न नहीं किया, बड़े शांति से चुनाव चल रहा है। अच्छा, आपको लगता है कि जो निष्पक्ष चुनाव और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराना है बिल्कुल सकुशल होगा, कहीं किसी तरह की कोई? नहीं, अभी तक तो कोई ऐसी सूचना है नहीं, और सब लोग बड़ा प्रेम से हिंदू नीतीश का करूंगी, क्योंकि गुड्डू जमाली जो कि बसपा के प्रत्याशी हैं उनके साथ मौजूद हैं। नीतीश, बात कीजिए। जया, गुड्डू जमाली ने अपना वोट कर दिया है, और आपको पहले मैं तस्वीरें, ये जो बूथ है यहाँ के दिखा दूँ आपको, चारों तरफ यहाँ पर जो भीड़ है वो लगातार, जिस तरह से हम सुबह से दिखा रहे हैं, जो युवाओं का जो शौर, इसके साथ ही महिलाएं, अब 1, 2, 3 इस तरह की संख्या में ही आ रही हैं। अभी उस तरह की भीड़ आपको आजमगढ़ में जितने भी, अभी ज़्यादातर जो बूथ है उस पर इस तरह की भीड़ नहीं दिखाई दे रही, लेकिन बसपा प्रत्याशी गुड्डू जमाली ने अपना मतदान कर दिया है। और शाह आलम हमारे साथ अभी कुछ ही देर में जुड़ेंगे, और इसके साथ ही हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने अपना जो मताधिकार का प्रयोग किया, उस मताधिकार के प्रयोग के साथ ही गुड्डू जमाली जी, जो देखिए बहुत क्लियर कट बता रहा हूँ, बहुजन समाज पार्टी ये चुनाव ऑलमोस्ट जीत चुकी है, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा, अभी थोड़ा वक्त जाने दीजिए, आप खुद पब्लिक का रुझान देख लेंगे,
बहुजन समाज पार्टी जीत चुकी है चुनाव, ये दोनों लोग लड़ेंगे दूसरे तीसरे के लिए, लेकिन वोटों का मार्जिन बहुत ज़्यादा और धर्मेंद्र वो तो मैंने पहले भी बताया था, उनको ग्राउंड रियलिटी का अंदाज़ा हो गया होगा, वो नहीं आए, मगर उनके सारी फौज तो उनको छोड़ के सारी बैठी ही थी, उनको लग गया होगा कि जनता ने नकार दिया है, अपने को बचाए रहो। अच्छा है कोविड में आलम जी एक चीज़ देखिए, कोविड का काम एक डिफरेंट वो इशू था, वो मैंने राजनीति के लिए नहीं किया था, मैं बार बार कहता हूँ मैं इसी यहाँ का बेटा हूँ, मेरा फ़र्ज़ है हम लोगों पे एक इंसानी फ़र्ज भी तोड़ता है और राजनीति से उसका ताल्लुक। ये दोनों लोग बहुत पीछे हैं। गुड्डू जमाली जी, लगातार हम आपसे बातचीत भी कर रहे थे इसके पहले भी, तो जो स्थितियाँ थी, आपने अपना मतदान किया, आपने किन मुद्दों पर मतदान किया? देखिए मतदान क्या, मैं यहाँ पे वोटर हूँ, मुद्दे जो इन लोगों ने पहले यहाँ की जनता का एक सबसे बड़ा इशू था कि जो लोग पहले जीत के गए उन्होंने जनता को छलने का काम किया, यहाँ उनका कोई कंसर्न नहीं रहा, बड़े बड़े आधी तूफान आए, बड़े तकलीफ़ें आईं, क्षेत्र का ना कोई विकास हुआ, अरे पूछना तो दूर की बात, सर्टिफिकेट लेने तक नहीं आए ये लोग। आज 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 आपने मतदान किया है और इसके साथ ही ये जो दो सामने जो दो प्रत्याशी हैं उनको भी कमज़ोर नहीं कहा जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपकी मजबूती कितनी और कहाँ? आप देखिएगा कमज़ोर नहीं कहा जाए, वो दोनों बहुत पीछे रहे। कैसे आपको आप जमीन 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 आप अंदाज़ा लग, मैंने आपसे अभी कहा ना कि मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ आप सिर्फ 12 बजे तक रुक जाइए, उसके बाद आप ये सवाल मुझसे नहीं पूछेंगे। 12 बजे तक का इंतजार इंतजार कर, ऐसा क्या है 12 बजे में, कुछ 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 बताइए। पब्लिक का रुझान का आइडिया हो जाता है, आप तो पत्रकार बंधु हैं, आप लोग पता लगा ही लेते हैं कि भाई किस तरफ मूव जा रहा है। जमीनी नेता की छवि ये कहना, जमीनी का देखिए हम लोग डिवोटेड लोग हैं यहाँ पे, हमें किसी अपनी आइडेंटिटी का परिचय नहीं कराना कि हम कौन है क्या है, वो जितने लोग हैं सब जानते हैं शालम गुड्डू जमाली को, इसलिए बहुत बताने की ज़रूरत नहीं है, ऑफकोर्स उसका फ़ायदा है। आपके सामने कौन है? आपके सामने देखिए ये हारेंगे बड़े मार्जिन से हारेंगे कौन? अब देखिए अब देखें गुड्डू जमाली जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े थे और अपनी बात इन्होंने रखी है, इन्होंने मतदान कर दिया है, मतदान करके अब गुड्डू जमाली वापस भी लौट रहे हैं, लेकिन अभी भी जया जो बूथ की तस्वीर है हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये बूथ की तस्वीर आपको यहाँ पर वोटर कहीं भी उस तरह की अगर बताएं तो लाइन या फिर जो वोटिंग में उत्साह उस तरह का उत्साह अभी भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो आजमगढ़ की जनता से एबीपी गंगा की अपील है कि घरों से निकले मतदान करें, लेकिन आपको बताऊं कि जो गुड्डू जमाली यानी शाह आलम बसपा प्रत्याशी उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 12 बजे के बाद स्थिति आपको इंतजार करना होगा, जब नतीजे सामने आएंगे और किसके दावे में कितना दम है ये पता चलेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।